होटल ग्रीनवुड में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता भूमिपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव को किया गया नम आंखों से याद। सिलवासा उत्तर भारतीय समाज की अगुवाई करने वाले एवं दिल से नेताजी को मानने वाले रहे उपस्थित। नमस्कार, सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा के होटल ग्रीनवुड में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता भूमिपुत्र एवं भारतीय राजनीति में एक अहम रोल निभाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भावपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें दादरा नगर हवेली के बड़े उद्योगपति सह समाज सेवक अजीत यादव, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के संचालक विक्रम यादव, वीरेंद्र यादव, पप्पू यादव, शैलेश यादव, इस्लाम अली, संतोष यादव सहित अन्य सामाजिक लोग उपस्थित रहे। सबने मिलकर नेताजी को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए भारतवर्ष में नेक कार्यों को याद किया। साथ ही सबने कहा, नेताजी दुनिया से गए होंगे परंतु हमारे हृदय में वह सदैव वास करेंगे एवं नेताजी अमर रहे का नारा लगाकर उन्हें नमन किया। देखिए यह रिपोर्ट। इसी तरह आसपास की खबरों से बने रहने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किस तरह से आज यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है नेताजी को? देखिए, आज जो श्रद्धांजलि दी गई नेताजी को हमारे, और ये नेताजी जो समाज के लोग आज ये कार्य किए, बहुत भारी काम किए, अच्छा काम किए, सोचनीय काम किए, ये काम करना बहुत जरूरी था और हुआ भी। श्रद्धांजलि दी गई नेताजी को। समाजवादी पार्टी, अगर बात किया जाए दादरा नगर हवेली पे, किस तरह से आने वाले दिनों में अब देखेगी दिखी जाएगी? देखिए, अच्छा दिखा जाएगा। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व यहाँ ही है, पार्टी चुनाव लड़ी है यहाँ पर 2004 में, और पार्टी यहाँ क्या नहीं किया है। पार्टी का लेटर पेज भी हर एक ऑफिस में पहुँचा हुआ है। पार्टी हल्ला मचा दी थी यहाँ पर, पार्टी काम किया है यहाँ पर लोगों का, गरीबों का काम किया, कंपनी का कंट्राज वालों को पगार दिलाया, और काम हुआ समाजवादी पार्टी के नाम। सभी मिलकर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए? हाँ, सभी मिलके दिए, सभी मिलके श्रद्धांजलि दिए उनको, और नाम मुलायम, काम कठोर था उनका जी, लोह पुरुष थे, लोह पुरुष थे, और पहलवान भी थे, और सिद्धांती नेता थे, सिद्धांत से खिलवाड़ नहीं करते, किसी से कभी नहीं झुकना सीखे, उनका नाम मुलायम है जी। क्या नाम है आपका पूरा नाम? सियाराम यादव। अब किस तरह से आज नेताजी को कहीं ना कहीं देश के एक जाने माने और एक ऐसे दमदार नेता के तौर पर देखा जाता था, उनको किस तरह से आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है? सबसे पहले मैं नेताजी धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी को नमन करता हूँ, और जिस दिन से ये खबर मिली नेताजी नहीं रहे तो पूरा देश जो है ना शोक में चला गया। वो एक ऐसे नेता थे, वो पार्टी से नहीं बदे हुए थे, हर पार्टी उसको इज्जत देती थी उनको, और हर पार्टी का बड़े से बड़े नेता आपने देखा होगा शायद, बीच रैली में मोदी जी ने भी जो है ना उनको श्रद्धांजलि दिया, तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि कितने बड़े नेता थे। उन्होंने जो है ना ऐसे रक्षा मंत्री रहते हुए ऐसे ऐसे काम किए जो आज लोग जो है ना उनको सदियों याद करेंगे। तो हमारा इतना ही कहना है कि नेताजी चले गए लेकिन सबके दिलों में है जी। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, सबकी आंखें नम नजर आ रही है कहीं ना कहीं, तो क्या खास चीजें रहेगी और क्या कहेंगे चंद शब्द उनके लिए? आज हम नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित के लिए आप करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं, तो नेताजी के कुछ उल्लेखनीय कार्य को मैं याद करना चाहूंगा। जैसे कि नेताजी अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक उल्लेखनीय कार्य किया जो कि हमारी जो सेना शहीद हो जाते हैं उनकी डेड बॉडी घर सम्मान पूर्वक आए, ये उनका अभूतपूर्व कार्य रहा है। और नेताजी को धरती पुत्र और जमीनी नेता की संज्ञा दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को धरती पुत्र कहा गया तो वो नेताजी को कहा गया, और वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे इसलिए उनको धरती पुत्र कहा गया। और उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है, तो आज युवा पीढ़ी को और राजनीतिक कार्यों को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। नेताजी अमर रहे। धन्यवाद।
मैं नेताजी के बारे में एक शायरी बोलना चाहता हूँ। लिखरता पसीना पसरता बहुत है, मुलायम को जाना अखरता बहुत है।